दोस्तों हमारे चैनल आपसी को कुछ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इंश्योरेंस का प्रीमियम हम किस तरह से जमा कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या है कि आप जो प्रीमियम जमा करने के लिए जाते थे और पहले करते थे तो ऑफिस के थ्रू करते थे या सीधे एजेंट के थ्रू करते थे या किसी मैनेजर को देते थे जो जो आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम जमा कर देते थे और आपके बदले उसके बदले में आपको एक स्लिप मिल जाता था। लेकिन दोस्तों आज स्मार्ट ज़माना है जिसमें आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, अपने इंश्योरेंस का प्रीमियम जमा भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि किस तरह से आप कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए आप सबसे पहले आपका पेटीएम का अकाउंट होगा या फोन पे का अकाउंट होगा या गूगल पे का अकाउंट होगा तो आप इसे ओपन कर लीजिएगा। मैं अभी पेटीएम का दिखा रहा हूँ दोस्तों, मैं फ़ोन पे का भी दिखाऊँगा और गूगल पे का भी दिखाऊँगा। तो देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले पेटीएम ओपन कर लिया तो ओपन तरह का एक पेज ओपन होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल प्रीपेड आपका ऑप्शन दिखा रहा होगा तो मोबाइल प्रीपेड में आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से आपका पेज ओपन होगा जिसमें आपको मोबाइल ऊपर की साइड में देखिएगा मोबाइल डीटीएच अलग क्रेडिट कार्ड पेप गेस्ट इस तरह से ऑप्शन आपको यहाँ पे ऊपर मिलते जा रहा है। तो कहीं आप देखिएगा यहाँ पे आपको इंश्योरेंस का भी एक ऑप्शन मिलेगा तो यहाँ पे इंश्योरेंस में आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा सेलेक्ट योर इंश्योरेंस, तो मतलब यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा कि आपका 24 मतलब देखिए इंश्योरेंस कंपनी अभी 24 है। तो देखिए दोस्तों, इस 24 कंपनियों में से जो तुम्हारा आपका कंपनी का नाम होगा यहाँ पे इस तरह से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं एक रिलायंस नीपुर का मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसमें पॉलिसी नंबर हम डालेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं एक डाल दे रहा हूँ पॉलिसी नंबर, इसी तरह से आप डालिएगा। और गेट प्रीमियम में क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, ये पॉलिसी लेस हो चुका है जो आपको बता रहा है कि ये 180 रुपये मतलब ये इसका लेस हो चुका है, मतलब ये ठीक टाइम पे, इसके लिए आपको ऑफिस में जाना पड़ेगा जो आप ठीक टाइम पे प्रीमियम नहीं जमा करेंगे तो ये लेस हो चुका है। और मैं दूसरे को दिखा रहा हूँ तो देखिए इस तरह से उसका सारा डिटेल आ गया, उसका डेट ऑफ बर्थ आ गया और कितना प्रीमियम जमा करना है वो भी अमाउंट आ गया। देखिए 10,609 रुपया। और इस प्रोसेस टू पे में आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से पेज हो गया। उसके बाद प्रोसेस टू पे, उसके बाद 10,609 रुपया इसमें क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद थोड़ा टाइम लेगा सर्च लेने में, तो सर्च ले लिया। उसके बाद आपको ऑप्शन दे दिया कि आपका बैंक अकाउंट मतलब पेटीएम में आप अपना कौन किस पेटीएम में बैलेंस होगा तो उसके थ्रू वहाँ CVP नंबर मांगेगा, CVP डाल दीजिएगा। उसके बाद पे में क्लिक कर दीजिएगा या आप पे में क्लिक करने के बाद आपका एक UPI जो नंबर यहाँ जनरेट करके रखे होंगे पेटीएम में उसमें आप वो डाल दीजिएगा। आप प्रोसेस में क्लिक कर दीजिएगा, आपका ये पेमेंट हो जाएगा। इस तरह से आप फोनपे मतलब पेटीएम में आप पेमेंट कर सकते हैं। और मैं बात करता हूँ दोस्तों कि अब फोन पे में भी इसी तरह से आप यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे आपको नीचे साइड में दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए इंश्योरेंस आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिखा रहा होगा, रिचार्ज एंड पे बिल। तो इसमें बहुत सारा आपका फ़ोटो है जिसमें एक इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा हुआ है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम में चले जाइएगा। आपको इसी तरह जो कंपनी होगा आपका, तो यहाँ पे जैसे भारतीय होगा तो भारतीय में क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद पॉलिसी नंबर और उस कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा और कन्फर्म में क्लिक कर दीजिएगा। उसी तरह से आपका फ़ोनपे का जो UPI पिन होगा तो वहाँ पर लिख डाल दीजिएगा और इस तरह से पेमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से आप गूगल पे में भी कर सकते हैं दोस्तों। जैसे देखिए गूगल पे को ओपन किए, ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरह का पेज हो गया आ गया एक पेज ओपन होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा होगा। ऑप्शन में आपको नीचे साइड में दिख रहा होगा न्यू पे, तो न्यू पे ब्लू मार्क में दिख रहा होगा तो इसमें आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको इस तरह से एक पेज ओपन होगा जिसमें आप कोई भी जिस कंपनी का आपका होगा तो उसका यहाँ पे लिख दीजिएगा सर्च कर में। तो जैसे मैंने LIC का लिख दिया, LIC का, तो देखिए LIC का आ गया ऊपर साइड में।
तो उसे क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे गेट स्टार्ट में क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप पॉलिसी नंबर लिख दीजिएगा, ईमेल आईडी डाल दीजिएगा और जिस कैंडिडेट का आप प्रीमियम जमा कर रहे हो उसका नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। इस तरह से नाम लिखने के बाद ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो गूगल पे का पिन होगा वो डाल दीजिएगा और अपना पेमेंट कर दीजिएगा। इस तरह से आप ऑनलाइन इंश्योरेंस ऑल कंपनी का आप प्रीमियम जमा कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। हमारा जानकारी आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।